अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, फिर से आ गई हूँ। आज मैं डिनर में मेरे बना रही हूँ चिकन 65 फ्राई बना रही हूँ मैं, और उसी के साथ मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ लच्छा प्याज की। तो ये सलाद मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आज मेहमान आए हैं, तो उनके लिए मैं आज ये रेसिपी बना रही हूँ। और हाँ, इसी के साथ साथ मैंने खट्टी दाल भी बनाई हूँ हैदराबादी स्टाइल में। तो ये तीनों रेसिपी मेरे ये ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिलेगी। तो फटाफट से जाके पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े की है। आप लोग अपनी फैमिली के लिए बना गए तो उनको ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना कि आप लोगों को खट्टी दाल, लच्छा प्याज और चिकन 65 फ्राई की रेसिपी कैसी लगी, मुझे मेरे चैनल पे ज़रूर बताना। और इस तीनों वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं, खट्टी दाल, लच्छा प्याज और चिकन 65 फ्राई। यहाँ पर देखिए, मैं अभी हैदराबादी खट्टी दाल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम देखिए मिक्स दाल ली हूँ, इसे मैंने भिगा दी थी। अभी मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। देखिए, मैं इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ इसमें ही, और इसी के साथ साथ मैं ऐड करूँगी अभी 5 से 6 हरी मिर्च इसमें। इसी के साथ साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दी हूँ इसमें। अभी इसके साथ साथ जाएगा हल्दी पाउडर और नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। अब ये सारी चीज़ों को हमें गैस में लगा के जलाकर हमें इसे कुकर में सीटी मारने के लिए छोड़ देना है। अभी मैंने गैस में कुकर चढ़ा दी हूँ, अभी मैं 5-6 सीटी तक इसे पकने दूंगी, जब तक मेरी दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। मैंने देखिए इमली भिगा दी हूँ, खट्टी दाल है तो इमली की तो ज़रूरत हमको होगी। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको कितना खट्टा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इमली ले लीजिए। मैंने ना देखिए मेरी दाल अच्छी तरह से गल गई है, तो अभी मैं इसे घोटनी से घोट लूँगी अच्छी तरह से। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करती हूँ, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सी देखिए पानी ऐड कर रही हूँ, और अभी मैं अच्छी तरह से इसे इस तरह से घोट लूँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो इमली का पानी है मैं अभी इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी अभी, इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेना है हमें, ताकि खट्टापन आ सके। पर देखिए, मैंने दाल को एक बर्तन में खाली कर दी हूँ कुकर से। अभी मैंने इसे है ना पकने के लिए छोड़ दी हूँ। मैं तकरीबन 10 मिनट तक दाल को हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसका तड़का फटाफट तैयार करती हूँ, आपको बताती हूँ तड़के में हमको क्या डालना है। देखिए, मेरी दाल अच्छी तरह से पकते हुए आ रही है। मैंने जैसे बोली थी, मैं इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से खौला दूंगी। तो अभी यहाँ पर मैंने देखिए एक पैन ले ली हूँ, और जिससे मैं दाल बघारूंगी। तो यहाँ पे मैंने फास्ट बने, तो मैं थोड़ा 5 से 6 चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने दूंगी तड़के के लिए। मैं दाल का तड़का रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। तड़के में मैंने जीरा, कड़ी पत्ता और अक्खी लाल मिर्ची डाल दी हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरा तड़का फटाफट से रेडी हो रहा है। तड़का थोड़ा लाल होगा तो मैं फिर इधर पे देखिए दाल खोला के रखी हूँ, तो मैं इस दाल में वो तड़के को फटाफट से डाल दूँगी। यहाँ पर मेरा तड़का देखो अच्छी तरह पका, तो मैं यहाँ तड़का ऐड कर रही हूँ। देखिए, मेरा तड़का डाल दी हूँ मैंने दाल में अच्छी तरह से। फटाफट से मैं लच्छा प्याज की रेसिपी आपको बता रही हूँ। मैंने ऑनियन छील दी हूँ, अभी मैं इसे गोल गोल आकार में कट करके आपको बताती हूँ किस तरह आपको कट करना है। मैंने कांदा इस तरह से कट कर दी हूँ। इस तरह से कट करने के बाद हमको इस तरह से इसे है ना अलग अलग कर देना है, और एक बाउल में इसे हमें इस तरह से रख देना है। मैं सारा कांदा इस तरह से निकाल लूँगी और इसे अलग करके आप लोगों को बताती हूँ मैं पूरी तरह से। देखिए, मैंने इस तरह से गोल गोल इस कांदे को कट कर दी हूँ, और यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट कर दी हूँ। तो चलिए फटाफट इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लच्छा प्याज है तो इस तरह से हमें कांदा चाहिए सलाद जो मैं बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ मैं। फटाफट मैं लच्छा प्याज की आपको रेसिपी बता देती हूँ। इसमें देखिए, मैं थोड़ा सी ना लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ साथ मैं काला मिरी और नमक का एक डब्बा भर के रखी थी, तो ये देखिए मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ। और इसमें अभी मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्च जो हमने कट करी थी,
तो हरी मिर्च भी पूरी इसमें डाल देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग तेज रख सकते हैं कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा नींबू भी ऐड कर रही हूँ, नींबू मैंने ऐड कर दी। अभी मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दूंगी। तो देखिए मस्त मेरा लच्छा प्याज रेडी हो चुका है। आप लोग इसे कोई भी सलाद के तौर पे खा सकते हैं, कोई भी ड्रेसिंग के ड्रेसिंग में रख के, जैसे चिकन वगैरह आप लोग फ्राई करेंगे तो इसमें भी आप लोग रख कर इसे खा सकते हैं। तो देखिए मस्त मेरा लच्छा प्याज अच्छी तरह से बन चुका है। ये रेसिपी बहुत छोटी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। अभी देखिए यहाँ पे मेरा लच्छा प्याज रेडी हो चुका है, तो अभी मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। आप कोई भी वाइट प्लेट ही लेकर इसकी प्लेटिंग करना तो ये अच्छी तरह से दिखेगा। ये देखिए मैं पूरा लच्छा प्याज इसमें डाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ज़रूर से ज़रूर और ट्राई करना, और इसके लिए सब्सक्राइब, ये वाले ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। फटाफट शुरू करते हैं चिकन 65 की रेसिपी। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले ली हूँ। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच फटाफट अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी मैंने। मैं मेरी रेसिपी बता रही हूँ चिकन 65 की। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और इसी के साथ साथ मैं चिकन 65 का मसाला ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए चिकन 65 मसाला मैं रेडीमेड लेकर आई थी, तो वो कोई भी शॉप्स पे इजीली मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा मिर्ची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहिए तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी हम थोड़ा दही ऐड कर देंगे इसमें। मैं अभी इसमें थोड़ा दही भी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहिए तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरे स्टाइल का चिकन 65 है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसके साथ साथ मैं थोड़ा नमक भी ऐड कर रही हूँ इसमें। अभी इसमें हम थोड़ा मैदा ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहिए तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी इसी के साथ साथ ऐड करना, पर मैं आज कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड कर रही हूँ। चिकन 65 मैं मेरे स्टाइल में बनाने बता रही हूँ, तो आप लोग चाहिए तो स्किप कर देना और सारी चीज़ों को। मैं इसमें भी थोड़ा रेड फूड कलर भी ऐड करूँगी। तो अभी इसमें हम थोड़ा रेड फूड कलर भी ऐड कर रहे हैं। अभी सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए मैंने इसे मसाला लगा दिया मेरे चिकन 65 को। अभी हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए एक फ्राई पैन ले ली हूँ जिसमें मैं चिकन 65 बनाने वाली हूँ। तो अभी हम इसमें तकरीबन 5-6 चम्मच तेल ऐड करेंगे चिकन 65 के चिकन को तलने के लिए। तो जब तक मेरा तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको तलते हुए चिकन बताती हूँ। तो अभी मैंने देखिए तेल डाल दिया, तेल मेरा गर्म हो रहा है, इधर से गर्म हो चुका है। तो अभी चलिए मैं फटाफट से चिकन 65 जो मसाला लगा के एक डेढ़ घंटा हो चुका है, इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दी थी। तो मैं अभी फटाफट इसे तल रही हूँ। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तभी आप लोग इसे तेल में चिकन 65 को अच्छी तरह से पका लेना। चिकन दोनों साइड से हमको पका लेना है। तो अभी देखिए मैंने मेरा पूरा चिकन इसमें डाल दी हूँ और अच्छी तरह से इसे अभी मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी स्लो आंच पे। अभी देखिए यहाँ पर है ना, मैंने मेरे चिकन को पकने के लिए छोड़ दी हूँ। ये अच्छी तरह से एक साइड पक जाएगा तो फिर मैं इसे पलटा लूँगी। आप भी दोनों साइड से अच्छी तरह से चिकन को पका लीजिएगा। क्या करना है बाबा, तो तुम्हारे पास है ना। मैंने चिकन 65 को दोनों साइड से अच्छी तरह से पका ली हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से पक गया। अभी मैं इसकी अच्छी तरह से प्लेटिंग करके आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ। देखिए मैंने प्लेटिंग कर दी हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मेरी रेसिपी देखिए चिकन 65 विथ लच्छा प्याज मैंने ये सलाद के तौर पे यूज़ करी हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने प्लेटिंग भी कर दी हूँ चिकन 65, उसको वाइट प्लेट में हम प्लेटिंग करेंगे तो ही बहुत अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह देखिए ये बहुत मज़े की बनी होगी, तो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करना। होप आप लोगों को मेरी ये तीनों डिश अच्छी लगी होगी, तो इसे ट्राई करिए, अपनी फैमिली को खिलाइए। और चलिए फिर जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू रेसिपीज़ के साथ। मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखिए और अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।